हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का परीक्षा चिंतन में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है UPSC का 2019 का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जो है UPSI, UPP, इसके बाद DHO का तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, और आज जो है UPSC का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जो है सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से जो है वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो आज का वीडियो है इसको शेयर करिएगा, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच सके और उनको जानकारी हो सके जो जो है UPSC का पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, उनको कुछ अंदाज़ा लग सके कि कैसे पेपर आता है कैसे नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि IMF के नव नियुक्त प्रबंध निर्देशक हैं। तो यह जो है उस टाइम जो है 2019 का पेपर है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टीन लेगार्ड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रघुराम राजन, चौथा ऑप्शन दिया गया है सुरजीत भल्ला। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो है IMF के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि भारत सरकार द्वारा दस अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रतिभा, तीसरा ऑप्शन दिया गया ध्रुव, चौथा ऑप्शन दिया गया परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ध्रुव, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग जो है इसमें जितना क्वेश्चन आज कराया जाएगा, आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया गया थॉमस कुक, थॉमस कुक के सामने है भारत भारती सम्मान के विजेता, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, और इसके सामने दिया गया है कि हांगकांग के नेता, फिर दिया गया है कि तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर उषा किरण, तो यह जो है पर्यावरण कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, फिर चौथा ऑप्शन दिया गया कैरी लैम। तो इसमें दिया गया है चौथा, जो इसके सामने दिया गया ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का? तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है जो पहला हो जाएगा, पहला जो है थॉमस कुक जो है ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा जो है ग्रेटर थैनबर्ग क्या है वह पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और डॉक्टर उषा किरण को जो है भारत भारती सम्मान मिला था, इसके बाद जो डॉक्टर कैरी लैम है वह हांगकांग के नेता हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वह सी हो गया, अर्थात डी हो गया, 4312 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वर्ष 2019 का नोबेल प्राइज़ दूसरी बार किस महिला को दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवेन टू ए वुमेन फॉर द सेकेंड टाइम, नेम द फर्स्ट वुमेन हु वॉज अर्लियर अवार्डेड दिस प्राइज। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्टड फेलो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गैटी थेरेसा कोरी, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है मारिया जोपर्ट, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें एलिनार ओस्ट्रॉम। तो यह जो क्वेश्चन है चौथे का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कि एलिनार ओस्ट्रॉम को जो है 2019 का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी?
तो यह जो पहली महिला है वह है एलिनार ओस्ट्रॉम। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में किस निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 2019 से 2035, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2019 से 2029, ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2019 से 2022, चौथा ऑप्शन दिया गया है 2019 से 2024। तो जो पांच का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 2019 से 2029 के बीच में जो है स्वच्छता रणनीति जो है इस अवधि से जल शक्ति भंडार मंत्रालय के लिए प्रारंभ की गई है और यहाँ से संबंधित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मैसूर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन दिया गया है शिमला। तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच एट द फॉलोइंग प्लेस। तो यहाँ पे मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 2025 तक, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 2030 तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2035 तक, चौथा ऑप्शन दिया गया है 2040 तक। तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं इंडियन एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन नेचुरली बाय द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवन का वह भी हो जाएगा कि जो है 2030 तक जो है भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सेरनिकॉन्स को उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया GSLV, इसके बाद डैश लगा है, फिर MK3, फिर डैश M1, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया GSLV डैश MK2 और डैश M2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है GSLV MK4 और M8, फिर जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया GSLV MKV और M4। तो आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि GSLV डैश MK3 M1। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, इसी के यही जो है यह उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग किया गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा वह दोनों हो जाएगा, एक व दो, कि इसका उद्घाटन जो है नोएडा में हुआ था। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है स्मृति ईरानी ने किया था। ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन दिया गया? दूसरा ऑप्शन है कि यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, तो यह जो है दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है छिपकली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तिलचट्टा, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है घरेलू खटमल, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है मच्छर। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है काकरोच जो है उसका रक्त सफ़ेद होता है, किस कारण? इसमें जो है हीमोफीलिया नहीं पाया जाता, इसके कारण जो है इसका जो ब्लड होता है वह वाइट कलर का होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में एक कॉम्बिनेशन व्हिच सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पल्सेस, सेकेंड ऑप्शन है राइस, थर्ड ऑप्शन है व्हीट, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है शुगर केन। तो जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, जो दालें हैं दाल के जो जड़ें होती हैं वहाँ पे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है?
तो पहला ऑप्शन दिया गया त्रिज्या बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन दिया गया त्रिज्या घट जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया गया बुलबुले का लोप होता है, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं, तो इसमें लिखा गया व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सोप बबल। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इट्स रेडियस इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन दिया गया इट्स रेडियस डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन दिया गया द बबल कोलैप्स, इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो दिया गया नन ऑफ दीज। तो जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि त्रिज्या बढ़ जाती है, अर्थात इट्स रेडियस इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें जो है त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीटोसिन, उसके सामने है हार्मोन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एस्पार्टेम, तो इसका जो इसके सामने दिया गया है संश्लेषित मधुरक। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है उसके सामने दिया गया है नियोप्रीन, इसके सामने दिया गया विशिष्ट रबड़। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है रेयन, रेयन के आगे दिया गया है रूपांतरित स्टार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, रेयन मॉडिफाइड स्टार्च, यह जो है सुमेलित नहीं है, यह करेक्ट नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम लोग कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कपास, दूसरा ऑप्शन है हेयर सॉरी हाँ हेयर अर्थात केस या बाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया स्पाइडर सिल्क अर्थात लूता रेशम, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया हूप अर्थात खुर। तो जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वह काटन हो जाएगा, काटन में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और जो हेयर है बाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, और स्पाइडर सिल्क में भी पाया जाता है, और खुर में भी प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का ही बना होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया संचालन, दूसरा ऑप्शन दिया गया संवहन एवं विकिरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ इज एंड्रेमिक ग्लैंड्स विच बेल एज एक्सोनिक ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेनक्रियाज हो जाएगा, इसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चीनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोरंडम, तीसरा ऑप्शन दिया गया जिप्सम, चौथा ऑप्शन दिया गया टैल्क। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 17 का। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, जिप्सम में जो है कैल्शियम विद्यमान होता है। तो जो है आप लोग जिप्सम का जो है जिप्सम में क्या विद्यमान होता है, तो कैल्शियम विद्यमान होता है। आप लोग जिप्सम का सूत्र बताइएगा कि इसका सूत्र क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन में जो है पदार्थ का दिया गया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उपयोग का। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड का, उसके सामने दिया गया है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया सिल्वर आयोडाइड, इसके सामने दिया गया है कृत्रिम वर्षा, तीसरा ऑप्शन दिया गया लिथियम बाइकार्बोनेट, तो इसके सामने दिया गया है गठिया का उपचार, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया है दुधिया मैग्नीशिया, तो इसके सामने दिया गया है प्रतिअम्ल। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड नहीं है, तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तुलसी प्लांट्स हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इन ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑर्गेनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन दिया गया फिनाल्स एंड फ्लेवोनाइड, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि फिनाल एवं फ्लेवोनोइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे कि व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्राथमिक उपभोक्ता,
उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, चौथा ऑप्शन दिया गया है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो इसमें जो कूट दिया गया है पहला है कि केवल एक सही है, दूसरा है कि केवल दो सही है, तीसरा है केवल सॉरी तीसरा है कि एक और दो दोनों सही है, चौथा दिया गया है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आप लोग एक बात को नोटिस करिए कि जैसे कि अगर कहीं पे दो ऑप्शन दो दिया रहता है कूट में, तो अगर उसमें दोनों दिया रहता है कि एक और दो दोनों सही है, तो लगभग लगभग जो है वही राइट आंसर हो जाता है, लेकिन सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग जो है सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया नेचुरल इन्वायरमेंट अर्थात नैसर्गिक पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट अर्थात एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अर्बन इन्वायरमेंट तो अर्थात शहरी पर्यावरण, चौथा ऑप्शन दिया गया मॉडर्न पर्यावरण। तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो है मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं। जो आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया गया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन दिया गया उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा उष्ण, तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया गया विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, फिर तीसरा चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है चौथा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि यह सत्य नहीं है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है अर्थात स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल्स, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया लाइकेंस, दूसरा ऑप्शन दिया गया मेथिल मर्क्यूरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया गुलाब का पौधा, चौथा ऑप्शन दिया गया सूरजमुखी का पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वह आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड हुआ है, तो इसका जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन दिया गया अलवणीकरण, इसके सामने दिया गया समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रतिलोम पराशरण, इसके सामने दिया गया पेयजल, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया विकृतिकरण, इसके सामने दिया गया प्रोटीन, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह पास्तुरीकरण दिया गया है, तो इसके सामने दिया गया चाय। तो जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि पास्तुरीकरण पास्चुराइजेशन जो है टी इसके सामने जो दिया गया यही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो पहला इसमें पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड, तो पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोरेट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव, तो उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि सोडियम क्लोरेट जो है वह हर्बिसाइड का एक उदाहरण है, शाकनाशी का उदाहरण है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि द गैस व्हिच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर इज, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है। पहला ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन दिया गया मेथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मेथेन हो जाएगा। मेथेन जो है भूमि के तापमान में वृद्धि करता है जब धान के खेत से जो है उत्सर्जित होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेरिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुरुग्राम, चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क। तो जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम जो है यह ISA का सचिवालय वर्तमान में यहाँ पर स्थित है। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन दिया गया चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन दिया गया दीव, चौथा ऑप्शन दिया गया पुंडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि पुंडुचेरी जो है वह 100% जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला जो है भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। तो इसका कारण दिया गया है, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आप लोग चयन कीजिए। तो जो 30 है तो उसमें पहला ऑप्शन दिया गया ए तथा आर दोनों सही है, एवं आर जो है एक ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर कथन जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है, चौथा ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही है, आर कथन जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, क्या क्या इसमें सम्मिलित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया शिक्षा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जीवन स्तर, चौथा इसके बाद नीचे दिया गया कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो कूट दिया गया है कि केवल एक सही है, दूसरा जो इसमें कूट दिया गया है दूसरा इसमें कूट दिया गया है कि केवल दो तथा तीन सही है, इसके बाद जो तीसरा इसमें दिया गया है तीसरा इसमें दिया गया कि एक और दो सही है, उसके बाद चौथा दिया गया है एक और दो तथा तीन दोनों सही, तीनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वह डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि एक दो और तीन दोनों सही, अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर यह निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जैव विविधता अधिनियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, चौथा ऑप्शन दिया गया प्रोजेक्ट हाथी। तो इसी तरीके से जो है कई क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं कि आप लोग यह सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया कूट में, पहला दूसरा तीसरा चौथा सहित दूसरे में, दूसरे ऑप्शन में दिया गया पहला पहले सही है, फिर तीसरा सही है, फिर चौथा, फिर दूसरा, इसी तरीके से तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कि दूसरा तीसरा चौथा पहला सही है, फिर जो चौथा ऑप्शन दिया गया उसमें दिया गया दूसरा तीसरा पहला और चौथा सही है। तो जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि सबसे पहले जो है वन्य जीव, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट हाथी, फिर जो है जैव विविधता अधिनियम।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली अर्थात सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। पहला ऑप्शन दिए गए 15 दिन, दूसरा ऑप्शन दिए गए 21 दिन, तीसरा ऑप्शन दिए गए 26 दिन, चौथा ऑप्शन दिए गए 30 दिन। तो जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 डेज में जो है CRS के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन करवाना जो है कानूनी रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सम्मिलित नहीं करता है, तो इसमें क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिए गए उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन दिए गए मधुमेह, तीसरा ऑप्शन दिए गए HIV परीक्षण, चौथा ऑप्शन दिए गए मृत्यु का पंजीकरण। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि HIV परीक्षण जो है HIV टेस्ट इसमें NFHS में नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। उससे पहले हम आप लोग बता दे रहे हैं कि इसमें जो है लगभग 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसके बाद नहीं तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, आप लोगों को बोरियत महसूस होगी। तो 50 क्वेश्चन आज कराया जाएगा, इसके बाद जो है इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। तो कल एक एक इसका जो है एक पार्ट कल आ जाएगा, इसके बाद अगला पार्ट जो है उसके एक दिन बाद आ जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप लोग ईमानदारी के साथ जो है बताइएगा कि आप लोग जो है इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया उल्टा यू आकार, इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया उल्टा भी आकार, तीसरा ऑप्शन दिया गया उल्टा एल आकार, चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो 35 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि यह जो है उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे के कारण आर को कहा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सतत विकास मानव समाज के कल्याण है तो महत्वपूर्ण है, यह कथन हो गया। और इसका कारण क्या है कि सतत विकास से अभिप्राय एवं ऐसे विकास हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन दिए गए ए तथा आर दोनों सही है, तो इसके बाद जो है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु जो है आर कथन जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ए सही है परंतु आर गलत है। फिर चौथा ऑप्शन दिया गया ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो पहला ऑप्शन है मनरेगा, दूसरा ऑप्शन है पहल, तीसरा ऑप्शन है NSAP, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 37 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि पहल को जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष योजना माना गया है या जो है ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पहल को जो है माना गया है। फिर आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों का पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा सही, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरा और तीसरा सही,
चौथा तीसरा ऑप्शन दिया गया, पहला दूसरा और तीसरा सही, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि यह 75% ग्रामीण और 50% जो है शहरी की जनसंख्या को आज़ादित करेगा। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, कि यही राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लगान का विनियमन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अवधि की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। तो जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा वह तीनों सही हो जाएगा, कि पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही। ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, चौथा ऑप्शन दिया गया समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वह 80 हो जाएगा, कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें यही सही हो जाएगा। तो यही जो है पहला इसमें सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि कूटों से संबंधित जो है लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में जो है कूटों से संबंधित क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया टेक लिम्सा, इसके सामने दिया गया है लिटिल बिटर लेक, फिर उसके सामने दिया गया ग्रेट बिटर लेक, चौथा ऑप्शन दिया गया है लेक मंजला, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया ग्रेट बिटर लेक, फिर डैश करके लिटिल बिटर लेक, फिर डैश करके लिटिल टिम्सा, इसके बाद लेक मंजला। फिर जो 41 में सी ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक, चौथा ऑप्शन इसमें डैश करके लेक टिम्सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कि लेक मंजला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लेट बिटर लेक। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में बढ़ने वाले झीलों का सही क्रम डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर अटलांटिक कटक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अटलांटिक कटक, तीसरा ऑप्शन दिया गया दक्षिण महासागर कटक का, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो 42 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, कि उत्तर अटलांटिक कटक अर्थात नॉर्थ अटलांटिक रेंज में जो है यही राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो इसका जो है यही पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला इसमें सूची फर्स्ट दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, और दूसरा दिया गया देश से। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया बिली बिलिज, तो उसके सामने दिया गया फिलीपींस, दूसरा दिया गया टैफू, उसके सामने ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद तीसरा दिया गया बगुइयो, तो इसके सामने दिया गया जापान, चौथा दिया गया हरिकेन्स, उसके सामने दिया गया USA। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन है 3412, दूसरा ऑप्शन है 2341, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया 1324, चौथा ऑप्शन दिया गया वो 2314। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कि जो बिली विलेज है वह ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, इसके बाद जो दूसरा है वह टेपू जो है जापान से रिलेटेड है, फिर जो बंगवई हो वह फिलीपीन से रिलेटेड है, और हरिकेन जो है USA से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया री रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कजान, दूसरा ऑप्शन दिया गया ओमस्क, तीसरा ऑप्शन दिया गया सोची, चौथा ऑप्शन दिया गया चीता। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सोची जो है एक नगर साइबेरिया री रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले ऑप्शन में पवन, उस दूसरे ऑप्शन में
दिया गया है देश, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है सांता आना, यह कैलिफोर्निया में दिया गया है। फिर दूसरा ऑप्शन है हबूब, यह सूडान में है। तीसरा ऑप्शन दिया गया यामो, यह जापान में है। चौथा ऑप्शन दिया गया मिर्स्टल, की ऑस्ट्रेलिया में है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि मिस्टल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूची यों के नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर में चयन कीजिए। तो पहली सूची में दिया गया कोयला क्षेत्र, दूसरी सूची में दिया गया अवस्थिति। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया तालचीर, तालचीर के सामने इसमें दिया गया दामोदर घाटी। दूसरा ऑप्शन दिया गया कर्णपुरा, तो सोन घाटी। फिर दिया गया सिंगरौली, या दिया गया गोदावरी घाटी। इसके बाद जो चौथा दिया गया सिंगरेनी, या दिया गया महानदी घाटी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया 4123, दूसरा ऑप्शन दिया गया 3241, तीसरा ऑप्शन दिया गया 2431, चौथा ऑप्शन दिया गया 1324। तो जो क्या कहते हैं इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 46 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बस पहला हो जाएगा कि पहला जो है तालचीर जो है वह महानदी घाटी से रिलेटेड है, दूसरा जो है वह कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी से रिलेटेड है, इसके बाद जो तीसरा हो जाएगा तीसरा जो सिंगरौली दिया गया है वह सोन नदी से रिलेटेड है, इसके बाद जो सिंहरैनी दिया गया गोदावरी घाटी से दिया गया है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया गुरला मांधाता, दूसरा ऑप्शन दिया गया नामचा बरवा, तीसरा ऑप्शन दिया गया कामेट, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नंगा पर्वत। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि गुरला मांधाता जो है भारत की चोटी में नहीं अवस्थित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुरला मांधाता जो है किस देश की चोटी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो किस साइड से? पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर से पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन दिया गया पश्चिम से पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, चौथा ऑप्शन दिया गया दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जो 48 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, वेस्ट टू ईस्ट जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ जो है जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो वह कैसे कम हो जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कम हो जाती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया बराक नदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया लूनी नदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया घग्गर नदी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 49 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि लूनी नदी जो है ऊपरी मार्ग पर मीठा जल होता है और जो है निचले भाग में खारे जल का प्रभाव होता है। तो जो है फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मोरीबंद डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा, दूसरा ऑप्शन दिया गया महानदी डेल्टा, तीसरा ऑप्शन दिया गया बंगाल डेल्टा, चौथा ऑप्शन दिया गया है कावेरी डेल्टा। तो जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि बंगाल डेल्टा जो है मोरी बंद डेल्टा का जो है उपविभाग है। तो जो है इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ये दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसके बाद जो है कि नीचे दिए गए कथनों में, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे का कारण आर दिया गया है। तो पहला कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। दूसरा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी सहकारी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कथन ए तथा आर, ए तथा का ए कथन जो है ए हो गया और कारण जो है आर दोनों सही है परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि कथन ए जो है सही है किंतु कारण आर गलत है,
इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया कि कथन ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 51 का? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कथन ए जो है, ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु जो है आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया दाम, दाम के सामने दिया गया ताम्र की मुद्रा, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया देसाई, दिसाई के सामने दिया गया राजस्व अधिकारी, फिर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि दीवान अर्थात प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, चौथा ऑप्शन दिया गया है जरीब, तो एक प्रकार का कर। तो जो 51 का जो है, 52 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं है, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जरीब से जो है मापने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कल जो है इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।